क्लियर है तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। ऑडिबिलिटी और जो आपके पास स्क्रीन है, स्क्रीन पर सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप सारी विथ सम डिले, कुछ डिले के साथ हम हमारे करंट अफेयर के सेशन को स्टार्ट करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेशन है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये आपका सेशन आपको काम आने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं हमारे जो करंट अफेयर के सेशन जो है 12th of June और 2020 का करंट अफेयर सेशन है। और जिसको पता नहीं उसको मैं बता दूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज हम एक मंथ कवर कर चुके हैं। एक मंथ आपका पूरा हो चुका है जो करंट अफेयर के सेशन के लिए, मतलब एक महीने पहले हमने सेशन को स्टार्ट करा था और सक्सेसफुली हम इस सेशन को एक महीने से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और उसमें डेफिनेटली अगर आप रेगुलरली अटेंड कर रहे हो तो आपका जो नॉलेज है उसमें एनरिचमेंट हुआ होगा, उसका एनहांसमेंट हुआ होगा। आपको प्रीलिम्स मेंस में जरूर से जरूर हेल्प होगी। अगर आप नहीं देख रहे हैं रेगुलरली तो रेगुलरली देखें। अगर आप इस धोखे में हैं कि करंट अफेयर एक या दो दिन में कर लेंगे तो वो सिर्फ प्रीलिम्स का करंट अफेयर आप कर पाओगे, मेंस का करंट अफेयर कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं इस सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम चलते हैं पहली न्यूज की तरफ। फर्स्ट न्यूज है कि 12th of June जो आपके पास है उसे हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर, हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे बच्चे देखोगे, नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है, तो उसकी मुट्ठी में बेचारे के में क्या है, ये फावड़ा है। क्लियर, इसके हाथ को देखोगे तो ये बूढ़े के जैसे हाथ दिख रहे हैं। इसके सर पे बोझ को देखोगे तो इस पर सारा का सारा आसमान इसी बच्चे ने संभाल के रखा है। यहाँ पे आप देखिए ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी जो बचपन नहीं आता, सीधा का सीधा उन पर जिम्मेदारियों का पहाड़ आ जाता है। तो ऐसे बच्चों के जो बर्डन को कम करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट करा जाता है। इस डे को यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO है, ये 2002 से कंटिन्यूअसली सेलिब्रेट कर रहा है। तो यहां पे दो कॉन्टेक्स्ट आते हैं, सबसे पहला 12th of June जो है फर्स्ट, दूसरा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स आपके यहां पे आती है। क्लियर, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलकर इंटरनेशनल चाइल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, आपके पास वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर, अब यहां पे कुछ इंपोर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात कि यहाँ पे जो बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं किस उम्र के रोजगार में लगे हुए हैं, 5 से 17 उम्र के जो बच्चे हैं, 5 ईयर से 17 ईयर के जो बच्चे हैं उनको फोर्सफुली या विलफुली या अनविलफुली इनको रोजगार में लगाया गया है। क्लियर, जो बच्चे हैं 5 से 7 वर्ष के बच्चों को रोजगार पर लगाया गया है। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्या बताई गई है कि चाइल्ड लेबर जो आपके पास होती है या जो बाल श्रम होता है उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जबरदस्ती बच्चों को काम पे लगाया जाता है और काम पे ऐसे ऐसे काम होते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। क्लियर, जिनमें से होता है ड्रग ट्रैफिकिंग जो होता है, जो आपके पास ड्रग की तस्करी ये लोग करवाते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है। क्लियर, कम उम्र में ही उनको कुछ पता नहीं होता अच्छा बुरा क्या है, लेकिन पैसे के लिए उनको बेच दिया जाता है, ट्रैफिकिंग कर दी जाती है और ट्रैफिकिंग करने के बाद इनसे ड्रग डीलिंग करवाई जाती है, प्रोस्टिट्यूशन जैसे हीनियस क्राइम, जघन्य अपराधों को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद यहां पर बताया गया ILO के द्वारा
था कि ये एशिया और पैसिफिक कौन कौन से रीजन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, तो एशिया वाला रीजन, अफ्रीका वाला रीजन और पैसिफिक वाला जो रीजन है, इंडो पैसिफिक वाला रीजन, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। और एक और बात यहाँ पे करी गई ILO के द्वारा, ILO बोलता है कि उन देशों में सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर पाई जाती है जो पुअर हैं, जो गरीब हैं। अब गरीबी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, लो इनकम सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो अफ्रीकन कंट्रीज़ याद करो मैंने HDI में सबसे लोअर पोजीशन पे बताया था। तो जो अफ्रीकन कंट्रीज HDI में सबसे लोअर पोजीशन पे हैं, उन्होंने यहाँ पे चाइल्ड लेबर के मामलों में सबसे ज़्यादा टॉप किया है। क्लियर, यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ ने क्या किया है कि टॉप करा है। और ILO जो आपके पास बोल रहा है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में अगर आप जाओगे तो काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर का शिकार हो जाते हैं, बाल श्रम का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे 2020 की बात करी गई है, 2020 में ILO ने एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च करा है, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर करके कैंपेन को लॉन्च किया है। क्लियर, तो जो बाल श्रम है, बेचारों के जो बचपना छीन लिया जाता है काम करते हुए, तो इसके लिए ILO क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऑर्गेनाइज करता है जो बाल श्रम के विरुद्ध। तो यहाँ पे ILO के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं, उसके लिए भारत के संविधान में क्या दिया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो आपके पास है, इसका गठन 29 अक्टूबर 1919 में किया गया था। 1919 में याद रखना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो आपके पास था, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, उसके बाद एक पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में 1919 में ILO का गठन किया गया। हेडक्वार्टर कहां पे है, स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, यह बात आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाल श्रम को खत्म करने के लिए हमारे संविधान ने क्या प्रावधान किए हैं, तो हमारे संविधान ने आर्टिकल 24 बनाया है, 24th आर्टिकल जो अनुच्छेद 24 बनाया गया है। इस 24वें अनुच्छेद के तहत अगर आप जाके देखोगे तो इसमें कहा गया है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज, क्लियर, कोई भी जो फैक्ट्री में आप बच्चे को श्रम नहीं करवा सकते, क्लियर। और यहाँ पे 14 तक की एज को हमने क्या माना है, जो चाइल्ड माना है, क्लियर। तो जो हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट है ये बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता 24, और आपको 23 आपको पता होगा आर्टिकल 23, जिसमें जो ट्रैफिकिंग है उस ट्रैफिकिंग को पूरी तरह देवदासी प्रथा है, उस देवदासी प्रथा को पूर्ण तरह से खत्म किया गया, क्लियर। तो आपको बड़े अच्छे से पता करना है कि देवदासी प्रथा क्या होती है, देवदासी प्रथा का एरेडिकेशन जो आपके पास है, और उसी के साथ हमारा संविधान क्या बोलता है चाइल्ड लेबर में, वो सारी की सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर रखनी है। अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए थम्स अप करके, ताकि सारी की सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से समझ आती जाए। और अगर नहीं है, और अगर कोई भी चीज क्लियर नहीं है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि हम अभी के अभी इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ये रहा आपके हिंदी का स्क्रीनशॉट, इसमें से 5 से लेकर 17 बच्चे, और हमारे यहाँ 14 के बाद बच्चे नहीं होते, आपने भी देखा होगा 14 के बाद तो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा जो बाल मजदूर हैं पाए जाते हैं, और बाल श्रम के खिलाफ विश्व जो विश्व दिवस है वो ILO और जो आपके पास जो यूनाइटेड नेशन है वो दोनों 2002 से 12 जून को मनाते आ रहे हैं, इस बात को आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। अब हम चलते हैं दूसरी रिपोर्ट की तरफ, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट आई है, एक इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2019 आई है, क्लियर, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 आई है। अब इस अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 के हिसाब से हम मानेंगे तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिलीजन होता क्या है, उसके बाद रिलीजन की स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो विश्व में काफी सारे मत पाए जाते हैं, काफी सारे जो धर्म पाए जाते हैं, रिलीजन्स, रिलीजन्स मतलब क्या होता है, एक वे ऑफ लाइफ होता है, मतलब हम किसके प्रिंसिपल्स पे, किसके मोरल सिद्धांतों के आधार पे हमारी जिंदगी को गुजारा करना चाहते हैं। हमारा एक आइडल होता है, जैसे हिंदुज्म में भगवान राम कृष्ण, इन सबको आइडल माना गया है। जैसे आप इस्लामिज्म में आओगे तो इस्लामिज्म में पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, क्रिश्चियनिटी में आपको पता ही है, और उसके बाद यहां पे हिंदुज्म, ऐसे अलग अलग काफी सारे रिलीजन्स पाए जाते हैं। ये एक वे ऑफ लाइफ, इनकी सबकी अगर फंडामेंटल टीचिंग्स हम देखेंगे तो फंडामेंटल टीचिंग सबकी एक ही होती है, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी होती है, धार्मिक स्वतंत्रता होती है, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं फंडामेंटल वैल्यूज होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि रिलीजन के नाम पे लोगों को भड़का दिया जाता है, और भड़काने के बाद इनको एक दूसरे के रिलीजन के आधार पर मारा काटा जाता है। तो एक किसी भी देश में कितनी ज्यादा रिलीजियस फ्रीडम दी जाती है, उस रिलीजियस फ्रीडम के आधार पर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2019 आपके पास आई है, क्लियर। 2019-20 में एक्चुअली इसकी घोषणा करी गई। तो इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम इंडेक्स 2019 की अगर आप बात करोगे तो ये
जारी कौन करता है सबसे पहले, इसकी बात करते हैं, तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ यूएसए इसको जारी करती है। क्लियर। इसकी रिपोर्ट में अगर आप जाके देखोगे, इसकी रिपोर्ट में दो तरह की कंट्रीज बनाई गई हैं। पहले तरह की कंट्रीज आपकी पॉजिटिव साइड की कंट्री होती हैं और दूसरी साइड की नेगेटिव साइड की होती हैं। अब पॉजिटिव साइड की कंट्रीज ऐसी होती हैं जिन कंट्रीज में रिलीजन की पूरी स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता जो आपके पास है धर्म की दी जाती है। नेगेटिव कंट्रीज वो होती हैं जिनमें स्वतंत्रता नहीं दी जाती, जबरदस्ती लोगों का कन्वर्जन कराया जाता है, ऐसी काफी सारे जो जघन्य अपराध कराए जाते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड अगर आप जाके देखोगे तो पॉजिटिव साइड तो सारी यूएसए ने अपने आप को पॉजिटिव साइड रखा है। क्लियर। और जैसे नेगेटिव साइड देखें तो इसने किसको रखा है, एक तो निकारागुआ को रखा है, उसके बाद नाइजीरिया को रखा है, उसके बाद चाइना को रखा है। इन तीन कंट्रीज को नेगेटिव साइड, चाइना को क्यों रखा गया है, क्योंकि उइगुर मुस्लिम, शायद मैंने आपको पढ़ाया होगा, पहले मैंने आपको बताया था एथनिक माइनॉरिटी, एक लेक्चर में हमने पहले डिस्कस किया था। और उइगुर मुस्लिम्स जो हैं उनका फोर्सफुली कन्वर्जन किया जा रहा है, उनको जबरदस्ती धकेला जा रहा है, जो आपके पास कन्वर्जन किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, मास जेनोसाइड करा जा रहा है, उसकी वजह से चाइना को नेगेटिव लिस्ट में डाला है। इंडिया जो आपके पास है, इंडिया को किसी भी लिस्ट में नहीं डाला, इंडिया को बीच में ही अटका दिया है लोगों ने। क्लियर। इस बात को आपको याद रखना है। तो इसलिए अभी प्रेजेंट में इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया की अगर हम बात करते हैं इस रिपोर्ट पे, तो इंडिया यह बोलता है यह किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट नहीं है, किसी अन्य संगठन की रिपोर्ट है, इसलिए हमें इस पे कंसर्न नहीं रखना। अगर कोई कंट्री कल पाकिस्तान यह बोलता है कि भारत में मुसलमान तबाह हो रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं होती, क्योंकि अगर कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी बोले, वर्ल्ड बैंक बोले, आईएमएफ बोले या यूनाइटेड नेशन बोले, तब तो थोड़ा बहुत माना जाए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें स्टडी करती हैं। सिर्फ एक देश का डिपार्टमेंट अगर रिपोर्ट बनाता है तो उससे हमें कोई भी कंसर्न नहीं है। ये जनरली इंडिया को डिफॉल्टर लिस्ट में डाल देता है, क्योंकि हमारे यहां अन्य जो आपके पास जैसे क्रिश्चियंस होते हैं उनके अगेंस्ट मॉब लिंचिंग कभी कभी हो जाती है, इस्लामिज्म के अगेंस्ट हो जाती है, तो इनकी वजह से ये लोग हमें पॉजिटिव लिस्ट में नहीं डालते। लेकिन हम जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत एक ऐसा देश है, इतना प्यारा देश है, जिसमें यहां पे देख रहे होंगे कि धर्म में काफी सारे लोग बड़े सौहार्द से रहते हैं। ये वही देश है जहां पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान काशी विश्वनाथ मंदिर में अपनी शहनाई को बजाते हैं। क्लियर। तो ये हमारा एकदम सौहार्दपूर्ण से रहने वाला देश है, यहाँ पे सारे के सारे दोस्त जो आपके सारे देश में सभी दोस्तों जैसे मित्रतापूर्वक रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो आईन है, ये आईन ही हमें क्या सिखाता है, रिलीजियस फ्रेटर्निटी सिखाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे अनुच्छेद हैं, 25 से लेके 28 तक के अनुच्छेद, जो कि फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ये हमें धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं। 25वां जो है ये क्या बोलता है कि हम कैसे अपने रिलीजन को मानना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ जो कंसाइंस ऑफ प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट अवर रिलीजन, हम कैसे प्रोफेस करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, इन सब की स्वतंत्रता यहां पे दी गई है। दूसरा जो आर्टिकल है 26 नंबर का, हम हमारे रिलीजियस अफेयर्स को कैसे मैनेज करते हैं। 27 नंबर का आपके पास है कि किसी भी रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है उसको मैनेज करने के लिए पेमेंट ऑफ टैक्सेस नहीं करना पड़ेगा, जो टैक्सेस हैं उनकी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जो 28 नंबर का आर्टिकल है ये आपसे क्या बोलता है कि हम हमारे इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कैसे शिक्षा दें, ये बिल्कुल भी हमारे पे ऑटोनोमसली डील करता है, ये भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार इन सब मामलों में दखल नहीं करेगी। क्लियर। तो ये तीनों के तीनों मामले आपके पास हैं, इन तीनों के तीनों मामलों को आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। और आर्टिकल 29 और 30 है, ये माइनॉरिटी जो आपके पास होती है रिलीजियस बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, जो आपके पास माइनॉरिटी बनती है, माइनॉरिटी में वो सारी के सारे आर्टिकल, मतलब हमारे संविधान में ऑलरेडी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमारे जो धर्म है उसके प्रति स्वतंत्रता का बखान किया गया है, बड़े अच्छे से फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, तो हमें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और कोई भी अन्य देश हमारे बारे में कोई भी ओपिनियन बनाए तो हमें क्या करना, अगर हम गलत हैं तो हम खुद स्वीकार करेंगे हम गलत हैं, सामने वाला हमें बोलने वाला नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो यहां पर यह सारी की सारी बातें। अब एक क्रिटिकल सा इशू आपके पास है, अभी क्रिटिकल सा इशू कौन सा है, महाराष्ट्र फार्मर्स बिगिंस प्रो जीएम क्रॉप एजिटेशन। क्लियर। जो महाराष्ट्र के फार्मर्स हैं उन्होंने प्रो जीएम क्रॉप एजिटेशन को शुरू कर दिया है, अनुवांशिक रूप से संशोधित बीज जो आपके पास हैं उनके लिए उन्होंने क्या करा है, ये अपनी एजिटेशन, अपने जो रिजर्वेशंस हैं उनको रख दिया। तो यहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन अपने आप में बन गया। इनके लीगल इश्यूज क्या होते हैं, ये क्वेश्चन अपने आप में बन गया। पैसिफिक में कौन कौन सा एरिया आता है, आपका क्वेश्चन ये है।
देखिए पैसिफिक का मतलब होता है प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के चारों तरफ के जो देश आते हैं, जैसे प्रशांत महासागर के चारों तरफ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उसके बाद ईस्टर्न ओशनियन कंट्रीज़ हैं, यूएसए के साइड जाओगे तो यूएसए में वेस्टर्न ओशियन कंट्री, जो वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिकन कंट्री और वेस्टर्न साउथ अमेरिकन कंट्री, ये पूरा का पूरा रीजन क्या कहलाता है? पैसिफिक ओशियन कहलाता है। सिंपल सा पैसिफिक वाला एरिया। इसमें पैसिफिक वाले एरिया का मतलब सिंपल सा होता है कि ये चारों तरफ पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ का एरिया पैसिफिक एरिया कहलाता है। देवदासी प्रथा साउथ इंडिया में थी ज्यादा। देवदासी प्रथा की आप बात करें तो देवदासी प्रथा पॉजिटिव भी थी और नेगेटिव भी थी, और साउथ इंडिया में ज्यादा थी ऐसा नहीं बोल सकते, उड़ीसा में भी पाई जाती है एक्चुअली। इसके पॉजिटिव कंटेक्स्ट भी और नेगेटिव है। सबसे पहले मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत देवदासी के बारे में बता देता हूं। देवदासी एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत क्या किया जाता था, जैसे आपको पता होगा कि सारे के सारे जो कृत्य हुआ करते थे, मतलब जो अच्छे अच्छे काम हुआ करते थे, वो ब्राह्मिन्स परफॉर्म किया करते थे, जैसे यज्ञ जो हुआ करता था या जन कथा जो आपके पास हुआ करती थी, ये पुराने काल में ब्राह्मिन्स का मतलब जो पंडित होते हैं, आज के ब्राह्मिन्स की बात नहीं कर रहा, पोंगा पंडित की मैं बात नहीं कर रहा, जो रियल में प्रैक्टिस करते थे, मतलब जो रियल में ईश्वर की सेवा करते थे, उनको ब्राह्मिन्स। अब इन ब्राह्मिन्स को दो तरह से दीक्षा दी जाती थी। दीक्षा किस तरह से मिलती थी? दो तरह से। आपने यज्ञ किया या आपने हवन किया तो एक तो आपको काउस जो होती है काऊ दे दी जाती थी क्योंकि वो प्रीसियस कमोडिटी है, या तो फिर ब्राह्मिन्स की सेवा करने के लिए किसी भी जो गर्ल है, मतलब जो एडोलेसेंट गर्ल जो है उसको दान कर दिया जाता था। क्लियर? 8 से लेके 14 ईयर लगभग की जो गर्ल है उसको दान कर दिया जाता था। ऐसा बोला जाता था कि यहां पे जो ये जो ब्राह्मण है इनको देवता माना जाता था। क्लियर? एक्चुअली ये इनके लिए दान नहीं किया जाता था, जो ब्राह्मण जिस टेंपल की सेवा करते हैं वहां पे कौन रहते हैं? देव रहते हैं। क्लियर? किसी भी टेंपल में कौन रहा करता है? देव। और इन देव की सेवा के लिए एक दासी भेज दी जाती है, उस दासी को हम क्या बोलते हैं? देवदासी बोलते हैं। क्लियर? अब ये देवदासी प्रथा आपको बड़ी अच्छी लग रही है कि ये गर्ल को अगर कोई भी गर्ल बिलफुली या उसके पेरेंट्स की परमिशन के साथ किसी टेंपल में जा रही है और भगवान की पूजा कर रही है तो उसमें बुरा क्या है? क्लियर? तो इसमें बुराई क्या है वो मैं आपको बताऊं, पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। ये ट्रैफिकिंग के बराबर क्यों होता है? क्योंकि इस एज में सबसे पहले बात लड़की को पता नहीं कि रियल में पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, तो बुराई यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब यहां से ब्रिटिशर्स ने देवदासी प्रथा को अंत करा, क्यों करा? अब यहां से फंडामेंटल कारण आते हैं जो कि नेगेटिव। पॉजिटिव कारण क्या होते हैं? जब ये टेंपल्स में जाती हैं तो डांस करती हैं, और जब डांस करती हैं तो वेरियस डांस फॉर्म इवॉल्व होते हैं, जैसे उड़ीसी, जैसे किच्चीपुड़ी आपने देखा होगा, मणिपुरी, आपके काफ़ी सारे क्लासिकल डांस जो हैं इन पंडितों ने इन लड़कियों को शिक्षा दी, इन गर्ल्स को शिक्षा दी, और शिक्षा के साथ साथ जो हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म है वो इवॉल्व हुए, पॉजिटिव। अब नेगेटिव कंटेक्स्ट कहाँ से हो गया? नेगेटिव कंटेक्स्ट यहाँ से हो गया कि जब देवदासी हैं इनकी किसी से शादी तो हुई नहीं, क्लियर, ये भगवान से इनका जो टाई अप है सीधा का सीधा। लेकिन कई सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि जो देवदासीज हैं वो प्रेग्नेंट हो गई, क्लियर, और जब प्रेग्नेंट हो गई तो उनके बच्चों को, आपको पता होगा इंडियन सोसाइटी में जब बच्चे के पास पिताजी का नाम नहीं होता तब उसको क्या समझा जाता है, उसकी कितनी रिस्पेक्ट होती है। तो यहां के इनके जितने भी बच्चे थे वो यतीम टाइप के घूमते रहते थे, पिताजी का कोई भी नाम नहीं है, और इनसे पूछो पिताजी का नाम क्या है तो वो बोलते थे ये भगवान के सेवक हैं, भगवान का ये पुत्र है, देव पुत्र इसको बोला जाता था। लेकिन जब ब्रिटिशर ने देखा, ब्रिटिशर ने बोला कि यार आप बताओ भगवान आ रहे हैं क्या इनके पिताजी बनने? नहीं आ रहे। यहां पर घपला कौन कर रहा है? जो पंडित हैं वो घपला कर रहे हैं। इसकी वजह से नॉन विलफुली जो आपके पास है सेक्सुअल अडल्ट, जो आपके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, उसकी वजह से ये देवदासी है वो बुरी हो जाती है। इसलिए सबसे पहले जब हमारा संविधान बना उस संविधान में देवदासी को खत्म किया गया, क्योंकि यहां पे नॉन विलफुली जो पंडित हैं जो जुड़े हुए वहां पे जितने भी जुड़े हुए लोग थे जो सेक्सुअल असल्ट करते थे उसकी वजह से देवदासी को एंड किया गया। ये पूरी की पूरी देवदासी की कहानी थी। अब आपको पता चल गया होगा कि देवदासी क्या होती है, देवदासी को क्यों जड़ से हटा दिया गया, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से क्यों हटा दिया गया, ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं जो अनुवांशिक रूप से जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं। आई थिंक कि ये पूरा का पूरा जो आपके पास इशू है वो क्लियर हो गया होगा। अगर ये इशू क्लियर हो गया है तो जल्दी से आप थम्स अप करके बताइए, क्योंकि इतने डिटेल में आपने पॉलिटी में नहीं पढ़ा होगा, सिंपल सा पढ़ा होगा कि देवदासी का उन्मूलन कर दिया गया, देवदासी को खत्म कर दिया गया। लेकिन यहां पे आपको बड़े अच्छे से याद रखना है कि देवदासी क्या होती है, देवदासी क्यों होती है, देवदासी को खत्म क्यों किया गया, ये पॉलिटी में जब अगर हम धोखे से पढ़ेंगे पॉलिटी तो डिटेल में हम इसको ऑलरेडी पढ़ लेंगे।
अब हम हमारे नेक्स्ट जो न्यूज है उसकी तरफ जा रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, याद रखना, साइंस एंड टेक का एक उज्ज्वल टॉपिक है, ज्वलनशील टॉपिक है, बर्निंग इशू है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। अब यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के बाद जाओगे तो ये सीड्स सबसे पहला होता कि ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्लियर, जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं, ट्रेडिशनल क्रॉप्स वर्सेज जीएम क्रॉप में डिफरेंस क्या होता है, इसके इशूज क्या है और फार्मर्स इसके फेवर में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाता है। तो इसी क्वेश्चन को हम कहीं ना कहीं कवर करने वाले हैं कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे जाके देखते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है, जो फार्मर्स हैं महाराष्ट्र के फार्मर्स, उन फार्मर्स ने, उनकी एक समिति है सत्कारी संगठन जो आपके पास है, एक समिति है सत्कारी संगठन नाम का, एक संगठन है। इस संगठन ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया है। न्यूज में क्यों आया, जो फार्मर्स की एक कमेटी है, इस कमेटी ने, फार्मर्स का एक ग्रुप है, इस ग्रुप ने महाराष्ट्र सरकार से बोला है कि आप हमें जीएम क्रॉप्स को यूज करने दो, अदरवाइज हम फोर्सफुली यूज करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बैन कर रखा है उस बैन के अगेंस्ट हम जाएंगे, क्लियर। अब जब बैन के अगेंस्ट जाओगे तो सजा होगी, तो सबसे पहले हम सजा का प्रावधान देखेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं वो भी हम देखेंगे, और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों बैन करा है ये भी हम देखेंगे। इतने सारे इश्यूज हैं, बने रहिए मेरे साथ क्योंकि इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जीएम क्रॉप पूरा कवर हो जाएगा, आपका 11 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं के यहीं तुरंत के तुरंत कवर हो जाएगा। तो जल्दी से हम देखते हैं जीएम क्रॉप्स के साथ इशू क्या है, सारे के सारे इश्यूज को हम यहीं पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप जाओगे कि जीएम क्रॉप्स होती क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं कि व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का मतलब क्या होता है वो आप समझ लीजिए। जैसे यहां पे एक क्रॉप की हम बात कर लेते हैं, ये मक्का बना हुआ है, हम कॉटन की बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है, एक ही को परमिशन मिली है, एक ही क्रॉप को परमिशन मिली है, उस क्रॉप का नाम क्या है, कॉटन। तो कॉटन सपोज करिए, जैसे आप कॉटन को आप देखोगे तो कॉटन क्या होता है, एक प्लांटेशन क्रॉप होती है। प्लांटेशन क्रॉप में उसमें पत्ते बड़े बड़े होते हैं और ये बड़े बड़े पत्ते जब होते हैं, जब ये पत्ते खिलते हैं और खिलने के साथ ये क्या होता है, पेड़ बड़ा होता है और बड़े पेड़ में बड़े बड़े कॉटन के बाउल्स लगते हैं, कुछ इस तरह से कॉटन ग्रो करता है, लगभग 10 से 12 महीने क्रॉप होती है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो जाती है, अभी आपने देखा होगा टिड्डे आ गए, ऐसे काफी सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं और इनके पत्तों को बीच में ही खा जाते हैं, ये जो पत्ते होते हैं इनको बीच में खा जाते हैं, और जब पत्ते खा जाओगे तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगी, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्या पेड़ बड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उसकी ग्रोथ वहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो इन पेस्ट को मारने के लिए तीन चार तरह के मेथड होते हैं। सबसे पहला कन्वेंशनल मेथड है, राख जाके छिड़क दो, नीम का पानी जाके छिड़क दो, लेकिन इससे जो लिमिटेड कंट्रोल होता है, कंट्रोल लिमिटेड है, ज्यादा नहीं हो पाएगा। दूसरा तरीका क्या है, केमिकल इंसेक्टिसाइड जाके डाल दो, रासायनिक जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको जाके डाल दो, क्लियर, रसायन है उनका छिड़काव कर दो। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, आज यहाँ पे एक आपने देखा होगा आपके घर में आप मोर्टिन जलाते हो, शुरुआत के दिन में फास्ट कार्ट से सारे मच्छर मर जाते हैं, लेकिन 8-10 दिन बाद वो बेशरम हो जाते हैं, बेहोश होते हैं और फिर से उठ जाते हैं, मतलब केमिकल के प्रति रेजिस्टेंट पैदा हो जाता है। तो ये भी तरीका, और केमिकल वाले तरीके में दिक्कत क्या होती है कि वो वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, आपने डाला जमीन पर बहुत सारा गिर गया, पानी के साथ धुल के चला गया, तो यहाँ पे पॉल्यूशन। तीसरा तरीका क्या है, इस पेड़ के अंदर ही मैं पॉइजन डाल दूं, जिस पॉइजन को हम क्या बोलते हैं, बीटी पॉइजन बोलते हैं, मतलब यहाँ पे एक बीज था, क्लियर, ये मेरा बीज है, इस बीज के अंदर मैंने क्या कर दिया, बैसिलस थर्मेंजिन नाम के एक बैक्टीरिया को डाल दिया। कौन सा बैक्टीरिया डाला, बैसिलस थर्मेंजिन नाम का बैक्टीरिया, इसी सीड के अंदर उस बैक्टीरिया के जीन को डाल दिया। उस बैक्टीरिया ये जो था, ये सोइल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जमीन से निकाला जाता है, और जमीन से निकालने के बाद एक स्ट्रेन इसकी बीज में डाल दी गई, और जब इसमें बीज में डाल दी, इसके बाद जब इस बीज का उत्पादन होगा तो हर एक कोशिका में बीटी नाम का पॉइजन यहां पे बन जाएगा, क्लियर, बीटी पॉइजन बनेगा, और जब भी कोई भी टिड्डा इसके ऊपर आएगा उसे खाएगा तो टिड्डा वहीं के वहीं धराशायी हो जाएगा, और जब एक टिड्डा इस पत्ते के ऊपर मरा हुआ देखेगा तो 10 टिड्डे इसको देखेंगे, 10 टिड्डे जब देखेंगे तो इनकी हिम्मत नहीं होगी इसको खाने की। आपने वही देखा होगा कि आपके घर में अगर 10 बच्चे हैं और एक बच्चे ने कांड कर दिया तो आपके पिताजी ऐसा थप्पड़ मारते हैं खींच के एक बच्चे में, 9 बच्चे देखते हैं और 9 बच्चे हमेशा डरते हैं कि ये कांड अब हमें नहीं करना। उसी तरह से बीटी जो आपके पास है, बीटी जीन्स हैं, बीटी क्रॉप्स काम करती हैं, इनके अंदर बैसिलस थर्मेंजिन नाम का एक बैक्टीरिया इंड्यूस किया जाता है, और इस बैक्टीरिया का काम क्या होता है, बीटी पॉइजन सीक्रेट करना होता है, और जब बीटी पॉइजन सीक्रेट होता है तो ये जो ट्रेडिशनल इंसेक्टिसाइड है, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं, इनसे बहुत ही ज्यादा कारगर जो आपके बीज यहां पे आता है। तो ये बात आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है, इस तरह से आपकी जीएमओ जो क्रॉप होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है, उनको बनाया जाता है, क्लियर। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अब तक भारत में बन चुकी है, भारत में आ चुकी है। सबसे पहला कॉटन, दो तरह की जीएमओ होती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं, अनुवांशिक रूप से
संशोधित जो फसलें होती हैं वो तो दो तरह से आप वर्गीकृत कर सकते हो, सबसे पहला फूड क्रॉप और दूसरी कौन सी है नॉन फूड क्रॉप। खाद्यान्न फसलें और नॉन खाद्यान्न गैर खाद्यान्न फसलें, जो गैर खाद्यान्न फसलों में कौन सा आता है आपका कॉटन, इसको आप खाते नहीं पहनते हो तो इस खाद्यान्न फसल में ना होने के कारण इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन खाद्यान्न फसल जो होती है जैसे बीटी ब्रिंजल होती है, बीटी मस्टर्ड होती है, DMH11 नाम का एक मस्टर्ड है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं ये खाद्यान्न फसलें। अब दिक्कत क्या है, हमें अब तक इन सब के साथ इशू क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कि इशू कौन सा है इन सब के साथ। तो इशू काफी सारे हैं। पहला इशू कौन सा है, सबसे पहला थ्रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब हमें पता नहीं कि टिड्डा मर रहा है कि आपकी जो बी है मधुमक्खी मर रही है। कुछ टाइम पहले मैंने आपको विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया बताया था, अब यहां पर मधुमक्खी होती है उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती, मधुमक्खी ने जैसे ही उससे जूस लिया पता चला उसमें बीटी पॉइजन था और यह मधुमक्खी बेचारी मर गई। और अगर सारी मधुमक्खियां मरने लग गई तो इससे क्या होगा, जो आपका पॉलिनेशन है परागकरण की जो प्रक्रिया है वो वहीं के वहीं क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और हमारी जो फसल है उसको नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी, ये जो हर्बिसाइड्स हैं ये काफी सारी अच्छी स्पीसीज को भी एलिमिनेट कर सकते हैं बुरी के साथ। इससे जो फूड चेन है वो फूड चेन बुरी तरीके से, खाद्य श्रृंखला बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। इतनी बड़ी बात हो गई। अब उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो आपके पास है न्यूट्रिशन इश्यूज हैं। न्यूट्रिशन इश्यूज ये हैं कि सपोज करिए कि आपने किसी भी चीज को खाते हो, किसी भी चीज को आप खाते हो, आपने साइंस में पढ़ा होगा वो कहां पे जाती है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है और उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन कोई भगवान करने नहीं आते, डाइजेशन करने कौन आता है, बैक्टीरियाज ही होते हैं आपके शरीर के अंदर, वही डाइजेशन करते हैं। अगर बीटी पॉइजन इन बैक्टीरियाज को नेगेटिवली इंपैक्ट कर देता है और ये बैक्टीरियाज मर जाते हैं आपके अंदर वाले जो डाइजेशन कर रहे हैं आपके अंदर, एंजाइम्स इनको बुरी तरीके से प्रभावित कर देते हैं, तो जो यहां पे अगर आप आओगे तो काफी सारे नेगेटिव तरीके के आपके अंदर की बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी और एंटीबॉडीज आपके शरीर को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। तो न्यूट्रिशनल इश्यू इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा यहां की अगर हम बात करते हैं, कंज्यूमर्स और फार्मर्स को भी बुरी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। कैसे, यहां पे अगर आप बात करोगे जिन फार्मर्स के पास जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उन लोगों का उत्पादन ज्यादा होगा, जिनके पास नहीं है उनका प्रोडक्शन कम होगा। इन दोनों के बीच में रिफ्ट बढ़ती चली जाएगी, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिफ्ट बढ़ने की वजह से जो कंज्यूमर्स हैं कंज्यूमर्स को भी कहीं ना कहीं घाटा होगा और जो फार्मर्स हैं उन दोनों को भी कहीं ना कहीं घाटा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ये सारे, सबसे पहला एनवायरमेंट इंपैक्ट आपने देख लिया, आपकी हेल्थ पे इंपैक्ट देख लिया, इकोनॉमिक इंपैक्ट आपने देख लिए, ये सारे के सारे इंपैक्ट। और इंपैक्ट कौन कौन से, उन इंपैक्ट को देख लेते हैं। और इंपैक्ट ये है कि सपोज करिए आज का जो टिड्डा है उसने जो बैसिलस थ्रेविंजियन नाम के बैक्टीरिया से मर गया, लेकिन कल इसकी जो नई किस्म आएगी टिड्डे की वो रेजिलिएंट होगी। जैसे कोरोना वायरस आपने देखा होगा हर एक जगह पे अलग अलग रूप से फैल रहा है, उसका स्ट्रेन अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, ऐसे ही इनके स्ट्रेन अगर मॉडिफाइड कर लिया तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आज बीटी जो कॉटन है आज सक्सेसफुल है, कल में भी सक्सेसफुल ना हो पाए। तो इतने सारे इश्यूज आपके पास इन्वॉल्व हैं, इन सारे के सारे इश्यूज के कारण ये जो आपके पास है भारत सरकार ने जो बीटी को पॉइजन है या बीटी जो आपके पास जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं उनको बैन करके रखा है, एक सिर्फ और सिर्फ है बीटी कॉटन उसको परमिट करके रखा है। लेकिन फार्मर क्या बोल रहे हैं कि हमें परमिट करो क्योंकि हमारे यहां इतना ज्यादा टिड्डों का अटैक हो रहा है, इतनी ज्यादा महामारियां हमें देखने को मिल रही हैं, अगर यही महामारियां कंटिन्यूअसली चलती रहीं तो हमारे फार्मर जो कम्युनिटी है उसको बहुत ज्यादा घाटा होगा। तो यहां पे लीगल पोजीशन देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आपके पास जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, यह क्या करता है बीटी कॉटन्स को देखता है, बीटी क्रॉप जितनी होती हैं, जीएमओ जितनी होती हैं, ज्योग्राफी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जितनी होती हैं उन सबको देखता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखना, कल को सीधा क्वेश्चन आता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कमिटीज जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं उनको अप्रेजल करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए किस समिति का गठन किया गया है, तो याद रख लो तुरंत के तुरंत समिति कौन सी है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल समिति। इस समिति ने सिर्फ और सिर्फ कॉटन को ही परमिट करा, 2002 में कॉटन को परमिट करा था और बाकी सारा किसी भी कोई भी क्रॉप अगर जबरदस्ती कोई भी उगाता है तो एक एक जो 1,00,000 तक का जुर्माना यहां पे लग सकता है और 5 साल तक की कैद हो सकती है। किसके अंतर्गत, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो आपके पास है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो आपके पास है उसके तहत 5 साल की सजा का प्रावधान है और 1,00,000 रुपए तक के फाइन का प्रावधान है। अब आपको समझ आ गया कि यहां पे जो महाराष्ट्र में जो फार्मर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन अगर जबरदस्ती कुछ भी करता है तो उनके अगेंस्ट लीगल जो एक्शन है वो लिया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव है या इसका नेगेटिव भी है, स्क्रीनशॉट साथ में ले लो क्योंकि ये सीधा साइंस एंड टेक में आपको काम आएगा, सीधा का सीधा है, बड़े डिटेल में मैंने आपको इसको बता दिया। इसका भी स्क्रीनशॉट इंग्लिश वाले ले लें जल्दी से। अब इसको बोलेंगे सर वे फॉरवर्ड, आप हमें बता दीजिए कि वे फॉरवर्ड इसका क्या है। तो वे फॉरवर्ड सिंपल है कि कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट आपको बनाना पड़ेगा, मतलब किस बीज का कितना ज्यादा प्रभाव है। एक नोबल विजेता थे इकोनॉमिक्स में, उन्होंने बोला था कि अगर आप भूखे मर रहे हो उससे अच्छा है कुछ खा पी के मरो। सिंपल सा कंटेंशन इथिकल इशू है। सपोज करिए आप मर रहे हो और आपके सामने खाद्यान्न फसल नहीं है और एक पॉइजनस चीज है जो खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो आप भूखे पेट मरना पसंद करोगे या पेट भर के मरना पसंद करोगे? तो यहां पे इन्होंने बोला नोबेल प्राइज विजेता ने, इतने सारे लोग भूखे मर जाते हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो आपके पास हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन बन सकती हैं। तो यहां पे पॉजिटिव ये है कि आपको कहीं ना कहीं असेसमेंट करना पड़ेगा कि इनके पर्यावरण पे कितने दुष्प्रभाव हैं। अगर दुष्प्रभाव कम है तो आपको इनको परमिट कर देना चाहिए, लिमिटेड रूप से आपको परमिट कर देना चाहिए, ये वे फॉरवर्ड है। और अगर ज्यादा है तो उसके अल्टरनेटिव, जैसे आपने देखा होगा सिक्किम का नाम आपने सुना होगा, इंडिया का एक पहला जो है जैव आधारित क्षेत्र जो आपके पास है, जैव आधारित राज्य है, कौन बना था, जैव कृषि आधारित राज्य सिक्किम बना था। तो सिक्किम जैसे जितने भी राज्य हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, जो जैविक कृषि आपके पास होती है इस जैविक कृषि को हमें कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए। इसका वे फॉरवर्ड है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है। जीरो से लेके हीरो तक, शून्य से लेके शिखर तक मैंने आपको इसको बता दिया। 11 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आप सभी मुझे क्वेश्चन का आंसर भेजोगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं, क्लियर, व्हाट इज जीएम टेक्नोलॉजी, दूसरा प्रेजेंट में कौन कौन सी क्रॉप्स जीएम क्रॉप से डेवलप की जा चुकी हैं, इंडिया में इनके इश्यूज क्या हैं और उन इश्यूज का चैलेंज क्या है, क्लियर। तो ये जो उन इश्यूज का सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड क्या है, 11 मार्क्स में आप मुझे इसको लिख के सेंड करोगे, क्लियर। ये हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू आपके पास है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है अथिरापल्ली हाइड्रल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से, क्लियर। हाइड्रल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये कहां पे है, केरला में है, कहां पे है, अथिरापल्ली जो रिवर है उस रिवर पे इस प्रोजेक्ट जो आपके पास है, इस प्रोजेक्ट को आपके पास बनाया गया। कौन सा प्रोजेक्ट आपके पास है, अथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब इसके इश्यूज कौन से हैं, चैलेंज कौन से हैं, उन सभी चैलेंजेस को हमें यहां पे देखना है। इसमें गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया है, परमिट कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ केरला जो है, केरला की सरकार ने तो बोल दिया चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रोजेक्ट को आप बना लीजिए, क्लियर। इस प्रोजेक्ट को आपको बना लेना है, किस प्रोजेक्ट को, जो आपके पास अथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसको बना लेना है। सबसे पहले हम इसके चैलेंज को जानने की कोशिश करेंगे कि चैलेंज क्या है, किस रिवर पे आपके पास है। तो यहां पे अगर आप जाओगे तो चालाकुंडी नाम की रिवर पे है, इस रिवर को भी हमें देखना है, इस प्रोजेक्ट से चैलेंज कौन से हैं वो देखना है। और कल को सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली अथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार ने परमिट कराया है, तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो मेंस के हिसाब से इसका पोस्टमार्टम हम देख लेते हैं। जैसे ही आप केरला राज्य में आते हो तो ये रहा आपका केरला राज्य, और इस राज्य के साथ दिक्कत, इश्यूज और चैलेंजेस आपके कौन-कौन से हैं उनको यहां पे देखो। ये पूरा का पूरा राज्य वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। ये रहा आपका केरला राज्य, केरला राज्य जो है पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, और जो वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, क्लियर। चैलेंजेस कौन-कौन से, अपोजिशन क्यों कर रहे हैं यहां के लोग, पहला अपोजिशन का कारण ये है कि यहां पे वेस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट क्या है आपका, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। दूसरा यहां पे आप अगर आ पाओगे तो ये कादर सेटलमेंट, मतलब जो ट्राइबल सेटलमेंट यहां पे रहता है और ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करना हमारे संविधान में दिया हुआ है कि किसी भी ट्राइब्स के एरिया में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तीसरा ये एलिफेंट और टाइगर रिजर्व्स भी यहां पे काफी सारे पाए जाते हैं, एलिफेंट रिजर्व्स और टाइगर रिजर्व्स के कारण ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, क्लियर। इतनी सारी बातें अगर हमने याद कर ली, इतनी सारी बातों के कारण ये आपका न्यूज में। तो केरला सरकार ने क्या बोला है कि हम इसमें क्या करेंगे, अथिरापल्ली जो आपके पास हाइड्रल प्रोजेक्ट है इसको परमिट कर देंगे, लेकिन यहाँ के जो लोकल पर्संस हैं, ये लोकल पर्संस क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उन्होंने बोला है अगर सरकार नहीं मानी तो हम क्या करेंगे, साइलेंट वैली जो आपके पास एक प्रोटेस्ट चला था उसके जैसे अथिरापल्ली प्रोजेक्ट लाएंगे, जो आपके पास अथिरापल्ली नाम का पूरा अपोजिशन कैंपेन ऑर्गेनाइज करेंगे। क्यों करेंगे, साइलेंट वैली ऑर्गेनाइजेशन क्या था, तो 1970s में क्या हुआ था, केरल सरकार ने साइलेंट वैली या
शांत वन जो आपके पास हैं, जो नीलगिरी के अंतर्गत आते हैं, उन शांत वनों को काटने का आदेश दे दिया। और जब आदेश दिया तो पूरा का पूरा केरला की जो कम्युनिटी है इस आदेश के अगेंस्ट चली गई और चिपको आंदोलन की तरह एक आंदोलन हुआ। उसके बाद केरला सरकार ने इसे प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया, बाद में जाके साइलेंट वैली नेशनल पार्क बना दिया। इसी तरह से इन लोगों ने बोला है कि अथिरापल्ली नाम की जो जगह है वहां पे अगर आप कुछ ऐसा करोगे तो हमें जबरदस्ती सरकार के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट डिबेट आपको देखने को मिल रही है, क्लियर, विकास वर्सेस पर्यावरण की डिबेट देखने को मिल रही है। तो यहां पे इतनी सारी, अब आपको खुद चूज करना है कि आपको एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना है कि आपको डेवलपमेंट करना है, ये दोनों। तो ये सामाजिक इशू में आपके पास आ सकता है, सामाजिक इशू में। अब हम जाके देख लेते हैं ये प्रोटेक्ट जो प्रोटेस्ट आपके पास हो रहा है, तो अथिरापल्ली नाम का ये पूरा का पूरा जगह है। अब हम यहां पे देखेंगे चालकुंडी रिवर के बारे में। जैसे आप चालकुंडी रिवर के बारे में देखोगे तो ये पूरी की पूरी रिवर कहां पे केरला राज्य में प्रवाहित होती है। यहां पे अगर आप जाके देख रहे हो तो ये जो रिवर क्या है, चालकुंडी नाम की रिवर, ये रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, पेरियार की ट्रिब्यूटरी है, मल्लास्वामी पेरियार के नाम पे इसका नाम रखा हुआ है। और ये ट्रिब्यूटरी बाद में जाके कहां पे गिरती है, जो वेम्बनाड कयाल लेक है वहां पे जाके गिरती है। और यहीं पे क्या बन रहा है आपका, चालकुंडी नाम का विलेज है और यहीं पे आपका एक प्रोजेक्ट बन रहा है जो कि साइलेंट वैली जो कि वेस्टर्न घाट के अंदर आता है, इसमें ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट आपका होना है। तो इतनी सारी बातें आपको यहां पे याद रखनी है। यहां पे आपको क्या याद रखनी है कि ये जो तमिलनाडु के अन्नामलाई क्षेत्र से ओरिजिनेट होती है रिवर, तमिलनाडु से ओरिजिनेट होती है, अन्नामलाई जो हिल्स हैं वहां से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद केरला में जाके प्रवेश करती है। और यहां पे अगर आप जाओगे केरला में पलक्कड़ त्रिशूल एर्नाकुलम जो जिला है उन सबसे बहती है और बहने के बाद ये पेरियार नदी से जाके मिल जाती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। कारण क्या है, क्योंकि इस रिवर के किनारे 152 प्रजातियां पाई जाती हैं और अलग अलग जाके अगर आप जाके देखोगे इसमें काफ़ी सारे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जगह पाई जाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो रिवर है ये फिश की प्रजातियों के लिए जानी जाती है। दूसरा अगर यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे वाटरफॉल्स भी हैं और यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रीजन यहाँ पे पाया जाता है। तो ये सारी की सारी बातों के कारण ये चालकुंडी रिवर है न्यूज़ में आ गई। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, UPSC के हिसाब से जो है ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार रिवर नॉर्थ टू साउथ जमाने को देते हैं, कई बार ईस्ट टू वेस्ट जमाने देते हैं। कल भी मैंने रिवर वाटर डिस्प्यूट पढ़ाए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्प्यूट, और चालकुंडी रिवर आपकी एटलस में नहीं दी हुई है। अगर नहीं दी हुई तो आपका मोरल प्रिंसिपल, मोरल जो आपके पास कंडक्ट बनता है कि आप जाइए और इस रिवर को आपकी एटलस में अपडेट कर दीजिए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि सर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका, आप जल्दी से हमें बता दीजिए। तो वे फॉरवर्ड सिंपल सा है कि बड़े बड़े डैम बनाना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, छोटे छोटे चेक डैम बनाओ जिससे ट्राइब्स को वाटर मिले, ट्राइब्स का जो इरिगेशन हो सके और ट्राइब्स क्या कर सके, यहां पे अगर जाओगे तो ट्राइब्स का डेवलपमेंट और लोकल एरिया डेवलपमेंट हो सके। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी कहां से लेके आएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर साइड आप जा सकते हो, सोलर मिशन आप चलाइए। सोलर से केरला एक ऐसा राज्य है जो कि इक्वेटर के पास है, तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है, क्लियर। तो यहां पर डेवलपमेंट वर्सेज एनवायरमेंट डिबेट का वे फॉरवर्ड आपके पास यह है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट कभी भी सस्टेनेबल नहीं होते, क्लियर। छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाइए जिससे वन भी ना डूबेंगे आपके, जिससे ट्राइब्स को भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होना पड़ेगा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और ज्यादा फ्लरिश करेगी जब यहां पे छोटे छोटे चेक डैम बन जाएंगे हर एक जगह पे, तो यहां पे जानवर और भी ज्यादा, यहां पे पेयजल की वजह से और ज्यादा जानवर रहेंगे। ये इसका रहा वे फॉरवर्ड, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आपके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने जो आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया है, क्लियर। याद रखना 11 जून 2020 को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया है 2020 का। अब आपको यहां पे याद रख लेना है कि पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, टॉप किसने किया। कल मैंने SQ का जो आपके पास रैंकिंग बताई थी 200 यूनिवर्सिटीज़ की, वो रैंकिंग अलग है। ये हमारी MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ने इस रैंकिंग को जारी किया। अब इस रैंकिंग के बारे में जैसे आप देखोगे तो ये पोखरियाल साहब हैं, ये मिनिस्टर हैं, इनको आप जरूर याद रख लेना कौन मिनिस्टर हैं, किसने जारी किया है। जो पोखरियाल साहब हैं, रमेश पोखरियाल साहब हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। उसके साथ आप देख लेते हैं कि इसमें टॉप किसने किया, बॉटम पे कौन आया, तो IIT मद्रास जो है उसने टॉप किया है। कल किसने टॉप किया था, मैंने आपको बताया था कल जल्द SNQ की जो रेटिंग थी उसमें टॉप यूनिवर्सिटी कल कौन सी थी, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। यहां पे आप जाके देखोगे IIT जो मद्रास है उसने टॉप किया है, सेकंड नंबर पे IISc बेंगलुरु
आई है, तीसरे नंबर पे आईआईटी दिल्ली आई है। इन तीनों को आपको याद रखना है, बाकी सारी पोजीशंस को आपको याद नहीं रखना, सिरे से आप भूल सकते हो। क्लियर? 100 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रैंकिंग आई थी। प्रेजेंट में रैंकिंग में मद्रास जो है, मद्रास मतलब कौन सी है, चेन्नई। चेन्नई ने अपना नाम अब तक चेंज नहीं किया है, ना तो हाईकोर्ट ने चेंज किया है, ना तो आईआईटी ने चेंज किया है। तो आईआईटी चेन्नई जैसे आप बोलते हो, मद्रास बोलते हो, उसने यहाँ पे ये सबसे पहला टॉप किया है। अब उसके बाद अगर आप जाके देखोगे, चलिए सर अच्छी बात है इसने टॉप कर लिया, लेकिन ये जो रैंकिंग है इसके बारे में थोड़ा बहुत आप हमें बता दीजिए। आपका क्वेश्चन ये है, बहुत बढ़िया, इंडिया में आईआईटी जो बॉम्बे है उसने टॉप किया था, और अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जो है टॉप किया था। ये आपको बड़े अच्छे से याद है, बहुत अच्छी बात। लेकिन इसमें आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है, ये बात याद रखना। अब ये जो रैंकिंग है ये क्यों लॉन्च की गई थी, क्योंकि भारत सरकार चाहती थी काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट है बच्चे कहाँ पर एडमिशन लें, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्लियर? तो बच्चों के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, आपने भी देखा होगा ट्वेल्थ के बाद आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि किस यूनिवर्सिटी में जाएँ, हालांकि आप कन्फ्यूज नहीं थे क्योंकि आपको पता था कि लोकल जगह पर एडमिशन ले लेना है, मुझे तो आईएएस बनना है, आईएएस बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, बीए में जाना पड़ता है, बीए कहीं पे भी कर लो, कहीं पे भी कर लो, कोई मतलब नहीं होता, 35% से पास हो जाओ, यूपीएससी एमपीपीएससी इतना ही मांगती है। क्लियर? लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो जुझारू होते हैं, कर्मठ होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए भारत सरकार 2015 से टॉप 100 जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी रैंकिंग को लेकर आ रही है। इसमें क्या क्या देखा जाता है, सबसे पहला अगर आप जाके देखोगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट कॉलेज, मेडिकल, फार्मेसी, डेंटल, आर्किटेक्चर, ये सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं उनको शामिल किया जाता है। काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे मैनेजमेंट होता है, क्लियर, टीचर स्टूडेंट्स रेशियो होता है, उसके बाद उनके द्वारा बच्चों के द्वारा स्कोर किए गए परसेंटेज होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, ये काफी सारी चीजों को एक साथ ऐड करके एक फ्रेमवर्क बना दिया जाता है। उस फ्रेमवर्क के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो आपके पास है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, वो इस रैंकिंग को जारी करती है। इसको आपको याद रखना है, टॉप किसने किया है ये आपको जारी रखना है, ये आपको याद रखना है। यहां पे टॉप एम जो आपके पास मद्रास है, आईआईएससी जो आपके पास था कल सेकंड पे था, आज भी आपका यहां पे सेकंड है, ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आपके पास है बंदे उत्कल, जो आपके पास बंदे उत्कल जनानी नाम का एक सॉन्ग था, उसे उड़ीसा ने अपना राज्य सॉन्ग डिक्लेयर किया है। क्लियर? अब यहां पे न्यूज बन जाती है कि जो उत्कल सॉन्ग आपके पास है, बंदे उत्कल सॉन्ग है, इस उत्कल सॉन्ग को किसने अपना स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर करा है, ये आपका वन डे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर आपको पता भी नहीं, इसमें न्यूज में कवर भी नहीं किया, ये एक्चुअली हिंदुस्तान द हिंदू से ये न्यूज ली गई है, आप जाके वहां पे कवर कर सकते हो। यहां पे आप जाओगे बोलोगे कि सर वैसे हमें पता नहीं, हमने इस न्यूज को नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी हम कवर करना चाहते तो कैसे कवर करें। तो सबसे पहले जैसे मैं गया उड़ीसा के पास, उड़ीसा कहां पे है, उड़ीसा को मैं आपको बता देता हूं। ये जो राज्य आपको दिखाई दे रहा है, ये राज्य कौन सा है आपका, उड़ीसा नाम का राज्य है। ये क्या है, एक कोस्टल स्टेट है, याद रख लेना। और यहां पे किसकी बाउंड्री किस किस से टच करती है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, और उसके बाद कोस्टल बाउंड्री है। तो चारों राज्य आप याद रख लेना उड़ीसा के साथ। क्लियर? अब यहां पे आप उड़ीसा के बाद जाओगे तो ये जो आपके पास कोस्टल लाइन है, इस कोस्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, उत्कल कोस्ट बोलते हैं। क्लियर? उत्कल तटरेखा बोलते हैं। क्लियर? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों को क्या बोला जाता है, उत्कल क्षेत्र बोला जाता है, और उन्हीं के गुणगान को गाने के लिए वंदे उत्कल जनानी नाम का जो आपके पास है ये सॉन्ग है, उसको उत्कल सॉन्ग जो आपके उड़ीसा है, उड़ीसा का स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया गया है। क्लियर? इतनी अच्छी अच्छी बातें अगर आपको पता लग गई तो उड़ीसा के बारे में जान लीजिए, और नवीन पटनायक साहब हैं यहां के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। क्लियर? ये सारी की सारी बातें याद रख लो, सीधा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा, और कौन कौन से राज्यों से सीमा टच करती है वो भी क्वेश्चन आपका यहां पे बन सकता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, तेलंगाना से बाउंड्री टच नहीं करती, इस बात को बड़े अच्छे से याद रख लेना। आपकी एटलस में गलत मैप बना हुआ है, काट दो, सस्ती वाली एटलस आपने लेके रखी है। क्लियर? अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जैसी नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाओगे, दिल खुश करने वाली न्यूज है, जो आपकी तमिलनाडु सरकार है, उस तमिलनाडु सरकार ने लगभग 1018 प्लेसेस के नेम को चेंज कर दिया है। क्लियर? अब आप बोलोगे खुशी की बात पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है, क्या 1018 के 18 नाम याद रखने हैं, बिगनो नहीं याद रखने? तो यहां से काफी सारी न्यूज इकट्ठी आपकी करंट अफेयर में आ जाती हैं। तो यहां पे जैसे आप देखोगे
ये सबसे पहले कुछ चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। अब आप बोलोगे कि सर नेम चेंज करने में क्या रखा है, एग्रीड नेम चेंज करने में क्या रखा है, लेकिन आपका नाम जो है वो आपका नाम सूटेबल होना चाहिए, क्लियर। ऐसा नहीं कि आपका जो नाम है, आपका जो फेस है, क्लियर, आपका फेस कैसा है, एकदम खड़ूस सा ऐसा ऐसा फेस, दो सींग ऊपर निकल रहे हैं इस तरह से आपका फेस है, यहाँ पे अगर आओगे दो सींग निकल रहे हैं इस तरह से आपका फेस, एकदम बड़ी बड़ी आंखें हैं, डरावनी, बच्चे देख के आप डर जाते हैं। और आपका नाम क्या है, उदार सिंह आपका नाम रख दिया, क्लियर। नाम क्या है, उदार है, और आपका फेस क्या है, खड़ूस सा है, तो ये बिल्कुल बात नहीं जमती, क्लियर। तो आपके जो नेम है वो कहीं ना कहीं आपकी लोकल जगह को इंडिकेट करने चाहिए। नेम क्या सिग्निफाई करते हैं, उस जगह की क्वालिटी को सिग्निफाई करते हैं, लोकलिटी को सिग्निफाई करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई थी, तेलंगाना सरकार ने क्या बोला, यहां पे जो सरकार है, सरकार ने क्या बोला, जो सॉरी तमिलनाडु की सरकार ने क्या बोला, तमिलनाडु यहां पे पार्टी है, इस पार्टी को आप याद रखना, तेलंगाना नहीं, तमिलनाडु जो सरकार है, तमिलनाडु सरकार ने बोला कि हमारे यहां काफी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के नाम इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे वो उच्चारण नहीं कर पाते थे, क्लियर, प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसकी वजह से हमारे लोकल नाम को उन्होंने चेंज कर दिया, और इसकी वजह से लोकल पर्सन से उनको दिक्कत हो गई, क्लियर, लोकल पर्संस को दिक्कत हो गई, तो हम हमारे नाम फिर से रिवर्स कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो मुगल्स हैं उनने भी साउथ इंडिया में जो नाम काफी सारे चेंज करे थे, तो जो मुगल्स ने चेंज करे, जो सल्तनत काल में चेंज हुए थे, याद कर लो हजार दिनारी कहां पे गया था, साउथ इंडिया तक गया था, तो साउथ इंडिया में काफी सारे नाम चेंज हुए थे, और वैसे ही आपके ब्रिटिशर्स ने चेंज करे, उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से नाम चेंज करे, तो लेकिन जो तमिलनाडु सरकार है, तमिलनाडु सरकार ने बोल दिया अब ये और नहीं चलेगा, हम हमारे हिसाब से नाम रखेंगे, किसी और के हिसाब से नाम नहीं रखे जाएंगे, क्लियर। तो यहां पे आपको याद रख लेना कि जो जो यहां के चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, पलनी स्वामी साहब हैं, जो ई के पलनी स्वामी साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, AIDMK से बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुड़ित कड़गम, इस पार्टी का ही नाम बड़ा खतरनाक है, अब आपको दिक्कत होने वाली है, आपके यहाँ पे जो है, जो हम सेंट्रल इंडिया वाले हैं हम खुद प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सर किस किस जगह का नाम चेंज हुआ है वो, और आप हमें जल्दी से बता दीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेना, मैं आपकी नज़रों से बेदखल हो रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे के सारे मैंने कहां से लिए हैं, ये सारे के सारे मैंने जी न्यूज से लिए हैं, क्लियर, अगर आप जाओगे मैंने ये सारे जी न्यूज से लिए हैं, और तमिलनाडु का जो स्टेप है वो कहीं ना कहीं वेलकम है, मैं उसका वेलकम करता हूं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से नाम चेंज हुए हैं, पुराना नाम सबसे पहले क्या था, वेलोर था, अब क्या नाम रख दिया, वेलूर, क्लियर, अब कौन सा नाम रख दिया, वेलूर रख दिया, उसका कोयंबटूर जो आपके पास था इसका नाम क्या रख दिया, कोयम पुथूर करके नाम रख दिया, क्लियर, तो अलग अलग करके नाम रखना पड़ेगा, कोयंबटूर कितना अच्छा था अब क्या कर दिया, कोयम पिथूर कर दिया। अब उसके बाद तूती कोरिन जो आपके पास है, एक पोर्ट है, इस पोर्ट को याद रख लेना, इसका नाम क्या रख दिया, तूथी कुड़ी, क्लियर, क्या नाम रख दिया, तूथी कुड़ी, तीन चार बार मेरे साथ बोलो, तूथी कुड़ी, क्लियर। उसके बाद हम जाते हैं त्रिची, जैसे त्रिची के पास जाते हैं तो त्रिची का नाम क्या रख दिया, तिरुचिरापल्ली, क्लियर, इसका नाम क्या रख दिया है, तिरुचिरापल्ली। ये मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं जिनके नाम आपको याद रखने ही हैं। उसके बाद हम जाते हैं जो आपके पास तिरुविरूर था, इसका नाम क्या रख दिया, थिरुविरूर रख दिया, क्लियर, तिरु की जगह इन्होंने क्या कर दिया, थिरु। तो ताको इन्होंने था में चेंज करा है जनरली, अगर जहां पे जाओगे, क्लियर, ताको कहां पे चेंज करा है जनरली, इन्होंने था में चेंज किया, जनरली मैं बता रहा हूं। उसके बाद हम जाते हैं एन पचम पट्टी जो आपके पास है, इसका नाम क्या रख दिया है, एन, क्लियर, नी करके रख दिया, एन की जगह क्या रख दिया, ने नी कर दिया, क्लियर, नी पचम पट्टी करके इसका नाम रख दिया है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, कोयम्बतूर तो आपको याद रखना ही है, वेलोर याद रखना है, यहाँ पे वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे तूतीकोरिन ये तो मस्ट है, त्रिची का नाम सबको पता होगा, तिरुवथूर ये दोनों रखने हैं कि नहीं, आपकी ऑटोनॉमी है, क्लियर, इतने सारे नाम आपने याद रखने हैं। उसी के साथ अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ टाइम पहले करंट अफेयर मंथन हमने पढ़ा था डेली न्यूज मंथन में कि भारत का नाम जो आपका भारत का अनुच्छेद एक जो आपके पास है वो क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, इस तरह से आपका लिखा हुआ है, मतलब हमारा संविधान इंडिया और भारत की बात करता है, और इस इंडिया को हटाने के लिए किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन को फाइल करा था। तो आज हमारे भारत के नाम भी अपने आप में न्यूज में आ जाते हैं, तो सारे के सारे भारत के नामों को और देख लेते हैं एक नजर में, एक सुर्खी में सारे के सारे भारत के नाम देखते हैं, क्लियर,
स्क्रीनशॉट ले लूं, मैं हट जाता हूं। यहां पे अगर आप जाके देखोगे, सबसे पहले अगर जाके देखोगे, आर्यवर्त नाम भारत का नाम था। ये कहां से आया था? मनु स्मृति में आ रहा था आर्यवर्त नाम का नाम। क्लियर? हम कहां के? आर्यों की संतान है। आर्यों की संतान होने के कारण मनु स्मृति ने आर्यवर्त नाम रखा था, और ये आर्यवर्त नाम का नाम महाभारत में भी यूज किया गया है, इसको आप याद रखना। क्लियर? पार्थ, तुम इसको जरूर से जरूर याद रखना। उसके बाद हम जाते हैं कहां पे? जम्मूद्वीप। जम्मूद्वीप हमारे वेदों ने नाम रखा है। वेदों वाला नाम कौन सा है? जम्मूद्वीप। क्लियर? साउथ इंडिया में जम्मूद्वीप से ही भारत को नाम जाना जाता है। क्लियर? उसके बाद ग्रीक लोग जो थे, उन ग्रीक लोगों ने हमारे भारत को क्या बोला? इंडस रिवर जो है, सिंधु को इंडस बोला, और भारत को क्या बोल दिया? इंडिया बोल दिया। क्लियर? तो हिंदुस्तान नाम, सॉरी इंडिया नाम किसने रखा था? जो ग्रीक से उन्होंने रखा था, बाद में ब्रिटिशर ने इस नाम को आगे बढ़ाया, उसके बाद जो हमारा नाम है वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान किसने रखा था? पारसियों ने रखा था। ये सिंधु के साखो हा बोलते थे, इसलिए इन्होंने क्या बोला? जो सिंधु नदी के वेस्ट वाला रीजन को हिंदुस्तान बोला, और यहां पे रहने वाले लोगों को हिंदू बोला। क्लियर? तो अगर आपको कोई हिंदू बोलता है तो बुरा नहीं मानना है। हिंदू मतलब सिंधु के वेस्ट साइड रहने वाले एक कल्चर ग्रुप को सिग्निफाई किया गया था। अब क्या हमारे नाम में से इंडिया हटा देना चाहिए? क्वेश्चन आपका यह बनता है, सर क्या भारत को हटा देना चाहिए? तो यहां पे एक कॉलोनियल लिगेसी है, आप चाहो तो हटा सकते हो, लेकिन अगेन मैं बात यही बोलता हूं कि नाम में क्या रखा है, कुछ काम ऐसा करके दिखाओ जिससे आपका नाम हो जाए। क्लियर? सिंपल सी बात आपके पास यहां पे है। इंडिया हो, चाहे भारत हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे कुछ भी हो, और एक भारत नाम है, ये किस पे पड़ा हुआ है? जो भरत मुनि थे उन भरत मुनि के नाम पे भारत नाम पड़ा हुआ है। ये सारी की सारी बात आपको याद रखना है। क्लियर? महाभारत, भारत, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे हैं। तो ये प्रिलिम्स के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। केबीसी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, जो इंडिया नाम है वो किसके द्वारा रखा गया था। तो ये सारे के सारे नाम आपको बड़े अच्छे से कवर कर रहे हैं। अब उसके बाद लास्ट में हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की न्यूज। मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों की न्यूज यहाँ पे है। मध्य प्रदेश सरकार है उसमें ग्रामीण परिवार के पेयजल के लिए 12,080 करोड़ रुपए हैं जो है घोषित किए, इनको मंजूरी मिली। क्लियर? मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने 1280 जो करोड़ हैं, 12000 नहीं सॉरी 1280 करोड़ रुपए है, उसकी मंजूरी दी गई है। क्लियर? अब ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में डिटेल में हमें जानना है, और उसके बाद हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश, पहले हम देख लेते हैं ये कौन सा प्रोजेक्ट है। तो जल जीवन मिशन जो आपके पास है, इस जल जीवन मिशन के तहत जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार, क्योंकि हमारा जो राज्य है एक ग्रामीण राज्य है, और इस ग्रामीण राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था रहती है, और अधिकतर लोग गांव में रहते हैं, और गांव में रहने वाले लोगों के पास पेयजल नहीं होता, पीने के लिए पानी नहीं होता। इस पीने के लिए पानी ना होने के कारण, या पानी होता भी है तो गंदा पानी आता है, इसलिए भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई जिसका नाम क्या था? जल जीवन मिशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 6 मार्क्स में आपको लिख के लाना है कि जल जीवन मिशन क्या है। क्लियर? तो यहां पे 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में, तो जल जीवन मिशन क्या है? 2024 तक हर एक घर को, याद रखना 2022 तक आपको घर बना दे, और इसका एम क्या है, 2024 तक हर एक घर को 55 लीटर पर जो पर पर्सन हमें वाटर की अवेलेबिलिटी करानी है, मतलब 55 लीटर पर पर्सन हमें रूरल हाउसहोल्ड में, ग्रामीण क्षेत्रों में जल की अवेलेबिलिटी करानी है। ये कौन सा मिशन है? जल जीवन मिशन है। इस बात को आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। अब ये जो मिशन है, इस मिशन में भूमि का क्या है, फंड कौन देगा, पैसा कौन देगा, पैसा कहां से आएगा? तो पैसा कहां से आएगा, 90% पैसा कौन देगा, केंद्र सरकार देगी, और 10% पैसा कौन देगा, राज्य सरकार देगी। क्लियर? और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट होते हैं, जैसे हिमालयन स्टेट है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इसमें 50-50 सॉरी जो हिमालयन स्टेट है, याद रखना जो हिमालयन स्टेट है उसमें 90-10 का रेशियो रखा गया, एक्सट्रीमली सॉरी अपडेट कर देना, जो हिमालयन स्टेट है और जो फ्रेजाइल स्टेट हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, उसमें 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट। और जो मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं, उन राज्यों में 50-50% जो आपके पास है, 50-50%, मतलब 50% कौन देगा, केंद्र सरकार, और इतने ही पैसे राज्य सरकार को मिलाने पड़ेंगे, तब जाके जल जीवन मिशन है वो जल जीवन मिशन इंप्लीमेंट हो पाएगा। क्लियर? और यूनियन टेरिटरी आपको पता है, केंद्र शासित प्रदेश 70% केंद्र सरकार के होते हैं, तो पूरा का पूरा कौन देगा,
केंद्र सरकार देगी। अब उसके बाद यहां पे हम बात करते हैं, कुछ यूनियन टेरिटरी छोड़ देना, इसमें जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ देना, इसमें आपको दिल्ली को छोड़ देना है, इसमें पौंडीचेरी, क्योंकि यहां की सरकार होती है, उनको क्या करना पड़ेगा, 50-50% देना पड़ेगा, ये अलग है, क्लियर। यहां पे देखते हैं जल जीवन मिशन कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे, वाटर मैनेजमेंट करेंगे, क्लियर। और उसी के साथ अलग अलग जगहों पे जो स्कीम्स हैं, अवेयरनेस है, उन सबको हम फैला रहे होंगे। ये कौन सा जल जीवन मिशन। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य में क्या किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश राज्य में 1280 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अलोकेट करे हैं। इन 1280 करोड़ में हमें क्या करना है, 1.8 लाख नल कनेक्शन हमें प्रोवाइड करने हैं। कितने कनेक्शन प्रोवाइड करने हैं, 1.8 लाख नल कनेक्शन जो हैं प्रोवाइड कर रहे हैं, और बाद में जाके इनकी काउंटिंग कंटिन्यूअसली हमें बढ़ाती जानी, क्लियर। अगली तिमाही में 6 लाख, 6.5 लाख, उसके बाद 7 लाख 20 हजार, उसके बाद 14 लाख 50 हजार, अलग अलग तरीके से फेजल मैनर में हमें ऐसे इंप्लीमेंट करना है, क्लियर। जो केंद्र सरकार उसने पैसा दिया है, कुछ राज्य सरकार मिलाएगी, और 2024 तक हमें क्या कर देना है, इस पूरे के पूरे मिशन में जल ही जीवन है, और इस जल को हमें सब तक पहुंचाना है, क्लियर। क्योंकि जल है तो कल है, ये पूरा का पूरा जल मिशन है, उसकी ब्रीफिंग है। यहां पे आप जाओगे 2024 तक टैप्ड वाटर आपको प्रोवाइड करना है, क्लियर। उसके बाद इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम हमें लोकली प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं कि जो है जल की जरूरत मुझे मेरे घर में है, और जल कहां से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है और दूर से 500 किलोमीटर, हमें लोकल एरियाज में जाना है, और लोकल एरियाज में हमें डिमांड और सप्लाई को मैच करना है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट पाए। उसके बाद हमें क्या करना है, सेंट्रल और स्टेट है, इन दोनों का को जो है सेंट्रल और स्टेट दोनों की साठगांठ होनी चाहिए, अदरवाइज ये स्कीम पॉपुलर नहीं हो पाएगी, लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, छोटे छोटे तालाब बनाने हैं, छोटे छोटे कुएं बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, छोटे छोटे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और जो वाटर वेस्टेज है उसको कम करना है, एग्रीकल्चर में जो वाटर है उसके लिए अलग अलग तरीके के प्रबंध करने, क्लियर। इन प्रबंध को कैसे करा जाएगा, सबसे पहला केंद्र सरकार अपने स्तर पे काम करेगी, राज्य सरकार अपने स्तर पे काम करेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम होगा, विलेज लेवल पे काम होगा, क्लियर। ये जो आपको पता होगा रूरल एरियाज में, अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र में स्कीम को इंप्लीमेंट करना है तो आपको विलेज एक्शन प्लान जरूर बनाना पड़ेगा। केंद्र सरकार पैसा दे सकती है, राज्य सरकार पैसा दे सकती है, इंप्लीमेंट कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर इंप्लीमेंट कर सकता है, लेकिन इंप्लीमेंट होनी कहां पे है, ये ग्राम सभाओं में, जो विलेज लेवल पे, इसलिए विलेज सेंटर पॉइंट है, हमेशा याद रखना। विलेज एक्शन प्लान में जो वाटर सोर्सेज मेंटेनेंस है, मतलब जितने भी जल के स्रोत हैं उनके मेंटेनेंस का काम किया जाएगा, वाटर सप्लाई के लिए जो नए नए तरीके हैं उनको देखा जाएगा, और जितने भी आपके पास गिरे जो डोमेस्टिक वाटर जो वेस्टेज होता है उसका रीयूज कैसे किया जा सकता है, ये सारी की सारी बातें यहां पे करी गई हैं, क्लियर। तो मध्य प्रदेश के बारे में आपको बड़े अच्छे से देख लेना है, जल जीवन मिशन के बारे में आपको बड़े अच्छे से देख लेना है, क्लियर। और ये सारी की सारी बातें आज करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट थी। एक और इशू, लंबा सेशन था इसलिए कवर नहीं किया, रिजर्वेशन का इशू है। मेडिकल में जो मेडिकल का जो एग्जाम होता है उसमें जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला है कि किसी जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, क्लियर। रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको कल के सेशन में मैं कवर कराऊंगा, क्यों नहीं है, क्या कंटेक्स्ट है, कौन सी सारी चीजें हैं। अगर ये सेशन, आज का सेशन में आपको मजा आया है, आज का सेशन पसंद आया है, तो जल्दी से यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक आप इसको पहुंचाइए, क्योंकि इतने डिटेल में आपने कहीं पे भी न्यूज एनालिसिस नहीं करा होगा, क्लियर। आप अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे तो आपको पुण्य लगेगा, क्लियर, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, बस थोड़े से सब्सक्राइबर रह रहे हैं हमारे 1000 तक, जैसे ही हम 1000 तक पहुंचेंगे बड़ी सी पार्टी करेंगे। ऐप भी पर हमें लाइक करिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए, और अगर रिसेंट लिंक पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मंथन IAS को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, क्लियर। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, मजा आया होगा, मजा आया है तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।